यूपी वाले फंटसी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो वैसा का आज का वीडियो अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2023 का रिकॉर्ड आज हम आपको देने वाले हैं। बात की जाए तो हैदराबाद वर्सेस लखनऊ के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है और साथ में आपको इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स भी दिए जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को फ्री में जीएल की टीम दी जा रही है। काफ़ी लोग मेरे साथ मिलकर अपना लॉस कवर कर रहे हैं। आप भी अगर लॉस में चल रहे हैं, 100% आपको अपना लॉस कवर करना है, तो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। आईपीएल का अगर देखा जाए तो T20 मैच में से 57 मैच फाइनल हो चुका है, ये मैच 58 मैच स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे विन्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे राजीव गांधी स्टेडियम, टाइम 3:30 पर यह मैच स्टार्ट होने वाला है। आज दोपहर के बाद ये मैच 3:30 स्टार्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे T20 स्टेटस एट दिस वेनुस के बारे में बात करेंगे। दूसरी बार जो हम बात करने वाले हैं वो है बॉलिंग स्टेटस आपके लास्ट 5 मैचों का। मैं यहाँ पर बॉलर को 5 मैचों का रिकॉर्ड भी आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में रखने वाला हूँ, जिसको जान के आपके समझ में आएगा कि हाँ 100% हमें कौन से बॉलर को लेना चाहिए जिससे हम मैच को विनिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड टीम प्लेइंग 11 के बारे में, कि मतलब 11 प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो इस बार अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स देने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि है 4th नंबर पे हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मर इन हेड टू हेड के बारे में। काफ़ी लोग हेड टू हेड भी खेलते हैं, तो उनको भी हेड टू हेड के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फिर से हम 5वें नंबर की अगर बात करेंगे तो 5वें नंबर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मर एट दिस वेन्यूज, मतलब कौन से ऐसे बैट्समैन हैं या बॉलर हैं जो बहुत अच्छा इस बार रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और 6ठा जो पॉइंट हमारा है वो है कि प्लेयर बैटल बैट्समैन और सस बॉलर के बारे में, अगर देखा जाए तो कौन से प्लेयर बेस्ट हैं बैटिंग के लिए, कौन से प्लेयर बेस्ट हैं बॉलर के लिए, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वें नंबर पर बात करेंगे हम कि 6 ग्रांड लीग टीम के बारे में, कि 6 ग्रांड लीग टीम कैसे क्रिएट करें और हम इस मैच को विनिंग कर से कैसे। उसके बाद में फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फर्स्ट स्मॉल लीग टीम के बारे में जानकारी देंगे, फैंसिटी टिप्स एंड फैंटेसी टिप्स फॉर ये ग्रांड लीग टीम के बारे में देंगे। ये सारी जानकारी अगर आपको 100% चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अगर वीडियो कंप्लीट आप नहीं देखेंगे तो वाकई में आपके समझ में नहीं आएगा और मैच को आप विनिंग नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो बेशक आप है कि जहां पर हम बात करने वाले हैं T20 स्टेटस दिस या वेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वेन्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर यहां पर बेशक बात की जाए तो सनराइज हैदराबाद की बैटिंग प्लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि स्टेटस में आपको हम यहाँ पर बताए थे। तो बेशक प्लेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं सब प्लेयर्स को यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं और सबका एवरेज भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ में कौन सा प्लेयर इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। बेशक अगर बात की जाए तो देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर अगर कैल्सिन की अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पर 8 मैच फाइनली अपडेट कर चुके हैं, जिसमें से 8 मैचेस को मिलाकर यहाँ पर 215 रन दिए हैं। एवरेज की अगर बात की जाए तो इनका हर मैचेस में 43 रन का एवरेज रहता है, तो आप अपने हिसाब से इनको समझ सकते हैं कि इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अब्दुल शमद के बारे में, जो कि इन्होंने 6 मैच अभी तक खेले हैं, 6 मैचेस में अगर बात की जाए तो 128 रन का सामना किए हैं, जो इनका एवरेज अगर देखा जाए तो 43 के एवरेज इनका हर मैच के हिसाब से रहता है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले जो नेक्स्ट प्लेयर होने वाला है, अनमोल प्रीत सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी तक 2 ही मैच का सामना किए हैं, जिसमें से 64 रन का सामना कर पाए हैं, और बेशक अगर बात की जाए तो इनका एवरेज देखा जाए तो 32 पॉइंट रहता है, मतलब बात की जाए तो 32 पॉइंट के एवरेज से ये बात करते हैं मैच खेलते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं राहुल त्रिपाठी के बारे में, जो कि 10 मैचेस इनको खेलने का मौका मिला है, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो 237 रन इन्होंने 10 मैचेस में दे चुके हैं, एवरेज इनका 26 के हिसाब से रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिर अगले नेक्स्ट प्लेयर अभिषेक शर्मा के बारे में, तो अभिषेक शर्मा की अगर बात की जाए तो ये भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से 200
तीन रन का सामना कर चुके हैं, इनका एवरेज जो होता है वो 25 के हिसाब से होता है, तो आप इनको समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने हम अगले प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो अगला प्लेयर आपका होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मार्क रम की अगर बात की जाए तो इन्होंने 9 मैचेस खेले थे जिसमें से 179 रन इन्होंने फाइनल किया था और यहाँ पर इनका एवरेज 22 के एवरेज के हिसाब से ये चलते हैं। तो बेशक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अग्रवाल की अगर बात कर लेते हो तो 9 मैचेस में 187 का एवरेज दिया था जिसमें से उन्होंने एवरेज 20.78 था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रहमान मलिक की बात कर लेते हैं तो 7 मैचेस में 19 रन का सामना किए थे जिनका एवरेज 19 टोटल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हैं कि कौन से प्लेयर का बेस्ट एवरेज है, उस किसको लेना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर हम फाइनल कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के बॉलर के बारे में, सनराइज़ हैदराबाद का जो बॉलर्स है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपको विकेट के साथ साथ कितने ओवर खेले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने मैचेस खेले हैं और उनका एवरेज क्या है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फारूकी की अगर बात की जाए तो फारूकी को 2 मैचेस में देखा लिया गया था और दोनों मैचेस में इन्होंने 3 विकेट का सामना किया था। यहाँ पर बेस्ट की अगर बात की जाए 44 रन इन्होंने दिया था, इनका एवरेज 18 के एवरेज है, तो आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर अगले हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, मार्कंडे की अगर बात कर लेते हैं तो मार्कंडे को यहाँ पर देखा जाए तो 8 मैचेस में चांसेस मिला था। अगर रन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 11 रन का सामना यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 मैचेस में इन्होंने 11 विकेट का सामना किया था। इनका अगर देखा जाए तो 15 रन का एवरेज था और मेन एवरेज जो है 21 पॉइंट का एवरेज है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेयर बेस्ट है। उसके बाद में हम जीशान की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी 7 मैचेस में इनको चांसेस मिला था, 9 रन का सामना इन्होंने किया था। बेस्ट स्कोर इनका जो था वो रन की बात की जाए तो 16 रन इन्होंने दिया था और इनका एवरेज जो होता है वो 25 के हिसाब से रहता, आप इनको समझ सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राशिद की बात कर लेते हैं, 2 मैचेस में चांसेस मिला था इनका, 2 देखा जाए तो विकेट इन्होंने फाइनल किया था। बेस्ट स्कोर इनका 23 रन का था और यहाँ पर एवरेज की बात की जाए तो 28 एवरेज है। उसके बाद में त्यागी की अगर बात कर ले तो त्यागी का भी सेम टू सेम वही पोजीशन है, क्योंकि 1 मैचेस में चांसेस मिला था, उसके बाद में इन्होंने 1 ही विकेट लिया था, 23 रन का सामना किया था और यहाँ पर इनका एवरेज 23 ही फाइनल कंप्लीट था। उसके बाद में हम बी कुमार की अगर बात कर लेते तो 10 मैचेस में मिलाकर 9 रन का सामना किए थे और उसके बाद में 9 रन के बाद में यहाँ पर अगर बात की जाए तो त्यागी जी का देखा जाए तो यहाँ पर 1 मैच में 1 विकेट लिए थे जिसमें से इन्होंने 30 रन का सामना किए थे और यहाँ पर 30 ही एवरेज के हिसाब से माना गया। वी कुमार की अगर बात की जाए 10 मैचेस में से 9 विकेट जिसमें से 11 रन दिए थे, हाई स्कोर के हिसाब से अगर बात की जाए तो इनका एवरेज अगर देखा जाए तो 32 है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उरमान मलिक की अगर बात कर लेते हैं तो 7 मैचेस में से 5 विकेट जिसमें से 32 रन का सामना किए थे, एवरेज इनका 35 था। उसके बाद में नटर्जन की अगर बात कर लेते हैं तो 9 मैचेस में 8 विकेट का सामना किया था जिसमें 23 रन दिए थे जिसमें से 38 स्कोर इनका फाइनली अपडेट हुआ था। ये होसन की अगर बात कर लेते हैं तो होसन अगर देखा जाए तो 1 मैचेस में 1 विकेट का सामना 40 रन दिए थे, इनका एवरेज फाइनली लास्ट 40 ही रह गया था। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक शर्मा की अगर बात कर लेते हैं तो अभिषेक शर्मा भी काफ़ी खास रिस्पांस पिछले मैचेस में नहीं दे पाए थे, कई मैचेस को मिलाकर नहीं दे पाए थे। उसके बाद वसंत सुंदर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 7 मैच खेले थे जिसमें 3 विकेट लिए थे जिसमें से 28 रन दिए थे और यहाँ पर टोटल के टोटल इनका एवरेज 48 था। उसके बाद में मरकराम की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर 9 मैचेस में 1 ही विकेट के सामना लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा बॉलर हाई रेस्ट पे चल रहा है, कौन सा बॉलर लो रेस्ट पे चल रहा है, किसको हमें लेना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने 100% रहना है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुपर ग्रांट लीग के बारे में, लखनऊ सुपर ग्रांट लीग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेयर की बात कर लेते हैं तो प्लेयर यहाँ पर क्विंटन की अगर बात की जाए तो 1 मैच में इन्होंने 70 रन का सामना किया था, एवरेज इनका लास्ट 70 था। केएल राहुल की अगर बात करें तो केएल राहुल ने पिछले 9 मैचेस में यहाँ पर 274 रन का सामना किया था, एवरेज इनका 34 था, आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद में मायर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 मैचेस में 361 रन का सामना किया था, 32 के स्कोर से इन्होंने मैच को खेला था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और यहाँ पर देखा जाए तो फिर अगला जो प्लेयर है बिदनोई, जो कि 11 मैचेस में 212 रन और यहाँ पर 26 का सामना, पूरन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 मैचेस में 248 रन का सामना जिसमें से यहाँ पर 2.4 इनका एवरेज था। उसके बाद में स्टोनी की अगर बात की जाए 11 मैचेस में 239 रन का जिसमें से एवरेज 23 इनका एवरेज था।
बेशक ये जो देखा जाए ग्रैंड लीग, लखनऊ के सुपर ग्रैंड लीग के ये प्लेयर्स हैं जो कि हाई रेस्ट कौन सा है, किसको लेना चाहिए, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। यहाँ पर फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले जो अपना लखनऊ का सुपर, यहाँ पर देख लेते हैं कि काफ़ी जो प्लेयर्स हमारे सामने यहाँ पर खुल के आ रही है लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप बैटिंग में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम ये मिश्रा की अगर बात कर लेते हैं, तो ये मिश्रा ने अभी तक अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 19 रन का सामना किए थे, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 9 ही ओवरेज इनको दिए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बैटिंग का ना, ये बॉलर है, और जो कि बॉलर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंग का कितना खास रिस्पॉन्स है। बॉलिंग पर अगर बात की जाए, ये मिश्रा ने 6 मैचेस में वो यहाँ पर देखा जाए 6 मैचेस में इन्होंने 19 विकेट का सामना किया है, जिसमें से 19 रन का फाइनली अपडेट दिया है। इनका ओवरेज अगर देखा जाए तो 63 ही फाइनल था। गायकुंडे की बात की जाए तो 5 मैचेस में यहाँ पर देखा जाए तो 23 विकेट का सामना किया था, जिनमें से बेस्ट स्कोर जो उनका था 63 था। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गायकुंडे की बात कर लेते हैं, तो गायकुंडे ने अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 मैचेस में इन्होंने 23 रन का सामना किया था। इनका लास्ट जो स्कोर था, लास्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो लास्ट स्कोर जो इनका था वो 100% आप यहाँ पर 48 था, जो कि इनका लास्ट स्कोर 160 के एबव था। उसके बाद में हम पांडे की अगर बात कर लेते हैं, पांड्या ने 11 मैचेस में 34 रन का सामना किया था। लास्ट स्कोर इनका 122 रन था। उसके बाद में एवरेज की अगर बात की जाए तो 117 था। तो बेशक यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर के बारे में, तो बॉलर की अगर बात की जाए तो वुड की अगर बात की जाए तो 4 मैचेस में इन्होंने देखा जाए तो 11 विकेट के सामना किया था। वहीं पर हम बात कर लेते हैं नवीन अलक्यू की बात कर लेते हैं, तो 5 मैचेस में इन्होंने 7 विकेट का सामना किया था। ये मिश्रा की अगर बात कर लेते तो ये मिश्रा यहाँ पर देखा जाए 6 मैचेस में 6 विकेट का सामना किया था। मार्कस स्टोनी ने 11 मैचेस में 5 विकेट का सामना किया था, और यहाँ पर शिवेंद्र सिंह ने 2 मैचेस में 2 विकेट का सामना किया था। रविंद्र बिश्नोई की अगर बात की जाए तो रविंद्र बिश्नोई ने पिछले 2 मैचेस के अनुसार अगर बात की जाए तो इन्होंने अभी तक टोटल के टोटल अगर देखा जाए तो 11 मैचेस में इन्होंने 12 विकेट का सामना किया था। और उसके बाद में ठाकुर की अगर बात की जाए तो 5 मैचेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 विकेट का सामना किया था। पांडे ने यहाँ पर 11 मैचेस में 6 विकेट का, अवेश खान की अगर बात की जाए तो 8 मैचेस में 7 विकेट का सामना किए थे। और उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोईश खान की अगर बात कर लेते हैं, मोईश खान ने यहाँ पर 2 मैचेस में 1 विकेट का सामना किया था। तो बेशक यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना है कि हमें कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर पिक करना है। बेशक अगर यहाँ पर देखा जाए तो हैदराबाद के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर बैटिंग के लिए होने वाला है वो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि एवरेज के अनुसार अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर अनमोल प्रीत सिंह जो कि बैटिंग के लिए इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले प्लेयर्स के बारे में, तो अगला प्लेयर्स जो अपना होने वाला है वो होने वाला है त्रिपाठी। त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, ये बहुत अच्छा। मयंक अग्रवाल पिछले कई मैचेस में कोई खास रिस्पांस नहीं दे पाए थे, लेकिन आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद में जो अपना लास्ट प्लेयर जो होने वाला है वो होने वाला है उमराह मलिक को भी आप ट्राई कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब प्लेयर्स काफ़ी आपके लिए बेटर लक साबित होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बॉलर्स के बारे में, तो बॉलर्स में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आती है वो आती है कि यहाँ पर हमें किसको लेना चाहिए बॉलर के लिए। तो बॉलर के नटराजन को आप ले सकते हैं, त्यागी को आप ले सकते हैं, बिश्नोई को आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे दिग्गज प्लेयर्स हैं। ये 3 प्लेयर्स जो बॉलर के लिए आपको लिए बहुत परफेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बैटिंग की बात कर लेते हैं, तो बैटिंग में आपके सामने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये 4 बैट्समैन जो हैं वो अपने आप में बिल्कुल एक अच्छा बैट्समैन है। आप 100% इनको ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर साबित होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर्स के बारे में, तो बॉलर्स में अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पर और प्लेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप वुड को भी ट्राई कर सकते हैं, बिश्नोई को ले सकते हैं, मार्को स्टोनी को ले सकते हैं, और एसविंद्र को भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो 100% आपके लिए बेटर साबित होने वाला है। तो बेशक आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, और अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। और फाइनल गेम के लिए टेलीग्राम पे विजिट ज़रूर करना।